नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। डिलीवरी वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, शताब्दी चौक का मामला। विवाद में मिनटों लगा रहा जाम। नागपुर शताब्दी चौक के पास एक सिलेंडर डिलीवरी वाहन ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। टक्कर लगते ही युवती ने स्कूटी को बीच सड़क पर खड़ी कर वाहन चालक के खिलाफ मोर्चा खेल दिया। युवती के सपोर्ट में आसपास के भी कुछ लोग आ गए। उन्होंने वाहन चालक को सड़क पर खींच लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। मामला बिगड़ता देख डिलीवरी वाहन चालक भी घबरा गया। उसने मौके पर कई बार माफी मांगी, तब कहीं जाकर मुश्किल से उसका पीछा छूटा। घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास घटी। स्कूल चालक युवती शताब्दी चौक से नर्मदा नगर की तरफ मुख्य सड़क से जा रही थी। उसके पीछे एलपीजी डिलीवरी करने वाला वाहन भी चल रहा था। इसी दौरान एक चौक पर कुछ वाहन आगे आ जाने पर युवती ने अपनी स्कूटी की गति धीमी कर ली, लेकिन सिलेंडर डिलीवरी करने वाले वाहन की स्पीड कम नहीं हुई, जिससे उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन तब तक वाहन स्कूटी से टकरा गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि पुलिस आती जब तक मामला सुलझ गया था। जाम से रहे लोग परेशान। झगड़े के कारण मुख्य सड़क के एक तरफ करीब 20 मिनट जाम लगा रहा। लोगों ने तमाशा देखने के लिए अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे सड़क पर भीड़ का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आसपास के दुकानदारों और वाहन चालकों ने किसी तरह सड़क से वाहनों को हटवाकर रास्ता चालू कराया। कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन झगड़ा खत्म होने तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय दुकानदार अगर सूझबूझ से काम नहीं लेते तो झगड़ा बढ़ सकता था। खिलने से पहले ही मुरझा गए पौधे, जामठा ग्राम पंचायत का मामला। नागपुर राज्य में 33 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, परंतु जिन पौधों को रोपा गया उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं। इनमें से कुछ पौधे रोपे जाने के बाद और कुछ नियोजन के अभाव में मुरझा गए। ऐसे में दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों की ना तो जाँच की गई और ना ही इन पर कोई कार्यवाही हुई। ऐसा ही एक मामला जामठा में उजागर हुआ। यहाँ पर पौधारोपण करने लाए गए पौधे खिलने से पहले ही मुरझा गए। जामठा देश भर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस गांव को जोड़ने वाले मार्ग की काफी दयनीय अवस्था हो गई है। मार्ग पर वर्तमान में कई गड्ढे पड़ गए। शहर से लगा होने के बावजूद ग्राम पंचायत का जो विकास होना चाहिए था, वह होता नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष यानी 6 वर्षों से यहां तक ही सचिव कार्यरत है। विकास कार्यों की बात करें तो कई बातों को अनदेखा किया गया है। 6 वर्षों में 5000 पौधे लगाने की जानकारी सचिव द्वारा दी गई, परंतु पौधों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्राम पंचायत के कंपाउंड के किनारे 20 पौधे मृत अवस्था में काले रंग की प्लास्टिक की थैली में रोपण नहीं होने से मृत अवस्था में दिखाई दिए। इस बारे में सचिव टुम्भेड़े को पूछने पर उन्होंने जानकारी देने में टालमोल किया। परिसर में नागरिकों ने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में विकास कार्यों की, लेकिन पौधारोपण के संदर्भ में जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। भीतरी बस्तियों में समस्याएं बरकरार। सक्री सड़कें, पुरानी गटर लाइन से जनता परेशान। नागपुर पिछले वर्षों में शहर का विस्तार तेजी से हुआ है। नई नई बस्तियां बनी है, लेकिन भीतरी इलाकों में अब भी समस्याएं बरकरार है। बाहरी हिस्से में चमके लंबी चौड़ी सड़कें बन गई, बिजली के नए पोल लग गए, लेकिन ऑरेंज सिटी की पुरानी बस्तियों में हाल बेहाल है। ऑरेंज सिटी के पुराने इलाकों में सबसे बड़ी संख्या सड़कों की है। कुछ बस्तियां ऐसी भी मिल जाएंगी जहां आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग की गाड़ी को जाने तक की जगह न मिले। मकान मनमाने तरीके से बना लिए गए हैं। फुटपाथ नाम की कोई चीज इन बस्तियों को देखने को नहीं मिलती। घरों के सामने गाड़ियां रखने तक की जगह नहीं रहती। कुछ जगह तो सड़कों की भी हालत खराब है। दुकानों की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। शिकायतों के बाद भी निपटारे में महीनों लग जाते हैं। डिप्टी सिग्नल मिनी माता नगर, सोनबाजी नगर, प्रजापति नगर, चीखली आदि इलाकों में अब भी विकास नजर नहीं आता। वर्षों पुरानी गटर लाइन है जो आए दिन चौखौती रहती है। गटर का दूषित पानी सड़कों पर बहता रहता है। स्मार्ट सिटी तैयार की जा रही है, लेकिन इन पुराने इलाकों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मनपावर NIT बाहरी इलाकों को चमकाने में ही लगी हुई है, जबकि भीतरी बस्तियों में दिनों दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।